हेलो फ्रेंड्स। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में एक हम लोग को ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जिससे ध्यान से सुनिएगा। पिगमेंट में दिया है कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन, पिगमेंट में है कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। तो पिगमेंट आप लोग को पता है कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट है और एंथोसाइनिन भी पिगमेंट है, चूंकि ये कलर देता है कैरोटीन और ये एंथोसाइनिन, तो ये पिगमेंट में हो गया। अल्केलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन, अल्केलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन वहाँ हम लोग ये अल्केलॉइड्स में पढ़ते हैं, जिसे वहाँ ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मॉर्फिन और कोडीन। और टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स में है मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। तो ये आप लोग को ऐसे याद ही है कि मोनो ये टर्पिन जिसमें आ रहा है उसमें टर्पिन वाला हो जाएगा, जैसे टर्पिनॉइड्स में है मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। और पिगमेंट में याद ही है कि कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, क्योंकि कैरोटीन भी कलर देता है, एंथोसाइनिन भी कलर देता है, तो ये कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन पिगमेंट हो गया। और अल्केलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन। एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल में दिया है लेमन ग्रास ऑयल, तो इसमें है लेमन ग्रास आयल, तो इससे ये पता चल जाएगा कि एसेंशियल आयल है। टॉक्सिन में है एब्रिन और रिसिन, एब्रिन और रिसिन, तो इसको एक याद कर लेना, तार से तार, TAR तार, टी से टॉक्सिन हो जाएगा, ए से एब्रिन और आर से रिसिन, तार, टी से टॉक्सिन, ए से एब्रिन और आर से रिसिन। और ये ड्रग्स में है विन ब्लास्टिन और कर्कुमिन, विन ब्लास्टिन और कर्कुमिन, एक कोई को कुरकुमिन बोलता है। तो एक ड्रग में याद रखना भिन ब्लास्टिन और कुरकुमिन, बस एक इसी को केवल याद रखना, ड्रग्स में भिन ब्लास्टिन और कुरकुमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में है रबर, गम्स और सेलुलोज, तो पॉलीमर में हम लोग रबर, गम और सेलुलोज ये जानते ही हैं कि रबर और ये सेलुलोज जो है मतलब ये पॉलीमर है, तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में ये आ गया, रबर, गम्स और सेलुलोज। थैंक यू।